मेरा बच्चे स्वागत आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार टेंथ में आज मैं साइंस का चालीस मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में हंड्रेड परसेंट बीस फरवरी दो हजार चौबीस में मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन तो पूछा जाएगा तो आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिल आइकन के हेंडी बॉल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या प्रतिबिंब देखने के लिए करता है प्रतिबिंब देखने के लिए करता है ए समतल दर्पण बी अब दर्पण सी उत्तल दर्पण डी इनमें से सभी

चार पाँच नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका पाँच नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा चार नंबर चले किस दृष्टि दोष को अबतल लेंस किस दृष्टि दोष को अबतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने बने द्वि फोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है जा सकता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका ये जरा दूर दृष्टि दृष्टता दिरिश्ट हो जाएगा चलिए आपका पाँच नंबर क्वेश्चन क्या एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता की को मापने की जरूरत है तो प्यारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये दर्पण तथा बीम के नीचे बीम के बीच की दूरी को होगा चलिए आपका छः नंबर क्वेश्चन किया शब्दों को उसके छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए तो पैरावचस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये पचास सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी का उत्तर लेंस चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में कौन विद्युत विभा का ऐसा है मात्रक है तो पैरावचस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये वोल्ट हो जाएगा चलिए आपका आठ नंबर क्वेश्चन के आपका लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट के साथ समय लघुपत शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत होता है तो प्यारा बच्चे का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है प्यारा बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नौ नंबर जो क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशन अल्फाकन किसी चुंबक के क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या है तो प्यारावे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा दक्षिण की ओर हो जाएगा चलिए आपका दस नंबर क्वेश्चन क्या है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुम्बक के क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर डी जो है चौथा हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या है ग्यारह नंबर जो क्वेश्चन है आपका किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी के भीतर चुंबक के क्षेत्र का राइट आंसर कौन सा हो आपका? तो ऑप्शन है, बिल्कुल सही है हो आपका बारह नंबर क्वेश्चन क्या है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है सॉरी इसका तो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपसे तरफ जाएगा चलिए तेरह नंबर क्वेश्चन क्या है आपका चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता है करना करना था चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था तो प्यारा बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका तो ऑप्शन आप नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पर हो जाएगा चलिए निम्नलिखित में किस विलियन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका तो हॉल्ट हो जाएगा चलिए आपका पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या है एन ए टू एसओ फोर प्लस बी ए सी एल टू बराबर एच बी ए प्लस बी एस ओ फोर प्लस टू एन ए सी एल हो जाएगा तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट right आंसर कौन सा होगा आपका तो ऑप्शन नंबर सी जो है द्विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चुना है तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी ए ओ हो जाएगा

उन पर किस धातु की पुतली परत चढ़ाई जाती है क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जी हो जाएगा चलिए आपका बीस नंबर क्वेश्चन क्या है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है तो प्यारे प्याराब्चेस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा आपका तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है आंसर ज़्यादा जिप्सम हो जाएगा चलिए आपका इक्कीस नंबर क्वेश्चन क्या है प्रोपेनो क्या है प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है तो प्यारा बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बोन सी बोन यानी क्या होता है कार्बन के लिए चार कार्बन के साथ चार बोन होता है तो चार बोन होना चाहिए तो इसलिए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारा बच्चा आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे येट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बिल ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए आज मैं साइंस का चालीस मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में हंड्रेड परसेंट फरवरी दो में मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा बाईस नंबर क्वेश्चन क्या है आपका तो एसे एसो क्या है एसेटिक अम्ल का आईपेक नाम है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा आपका तो ऑप्शन आप नंबर ए जो आपका एथेनोविक अम्ल हो जाएगा कौन सा हो जाएगा तो इथेनोविक अम्ल हो जाएगा चलिए विद्युत अब परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है प्यार इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा आपका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनोड हो जाएगा अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया इस क्वेश्चन इसका पच्चीस नंबर क्वेश्चन क्या है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म क्या होगा प्यारे बच्चे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका तो ऑप्शन तो तो नंबर तो right तो बी जो है ना बिल्कुल सही है आंसर हो जाएगा आपका तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन हो जाएगा छब्बीस नंबर क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में कौन सा आधा निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलियन को नीला कर सकता है प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा आपका तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये ओ एच बिल्कुल सही हो जाएगा पादप में जाइलम उत्तरदाई है पेरा बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा आपका तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरा बच्चा तो छब्बीस का कौन सा सही आंसर होगा तो आप लोग को पता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिए ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये बिल्कुल सही सॉरी सत्ताईस का कौन सा होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका जल का वहन हो जाएगा पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो वहन के लिए चलिए जल का वहन के लिए निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है तो प्यार क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ए टी पी सही आंसर हो जाएगा चलिए उन्तीस नंबर क्वेश्चन संख्या पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रंध्र से हो जाता होता है तीस नंबर क्वेश्चन क्या है हृदय में हृदय से रक्त की रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है पैराबचेस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका नीले द्वारा हो जाएगा चलिए कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है पैराविचिस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तो ऑक्सीजीन हो जाएगा जड़ का जड़ का आदोगामी वृद्धि है पैराविचेस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका तो गुरुत्वर्तन हो जाएगा पैरावचे आपका तीस नंबर क्वेश्चन क्या है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या होगा प्यारे बच्चे तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होगा चलिए निम्नलिखित तो कौन सी और क्रिया नहीं है प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट right आंसर कौन सा होगा आपका तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा ना आपका तो कौन सा होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर जगह आपका तो चबाना हो जाएगा चलिए आपका पैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या औलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा आपका तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर जगह आपका ईस्ट में हो जाएगा

पूर्ण जोरा पाया जाता है तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा आपका तो इसका जो तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर बी जो है स्त्री में हो जाएगा चलिए आपका मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग में होते हैं प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को पता होना चाहिए इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चलिए आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या प्यारा बच्चे तो अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है प्यारे बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कक लकड़ी एवं घास हो जाएगा तो प्यारे बच्चे मैं एक से चालीस तक का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ जो आपके एग्जाम में हंड्रेड परसेंट बीस फेरवरी दो हज़ार चौबीस में मेट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटे ने प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए के लिए बाय बाय फिर मिलता है अगले वीडियो में वाचिंग फॉर थैंक यू